हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि मीन मीडियन मोड क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मीन मीडियन मोड को कैलकुलेट किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले पिक करेंगे मीन, और मीन के लिए मैंने कुछ डाटा लिया। ये कुछ डाटा है मेरे पास, मुझे इसका मीन निकालना है। तो मीन निकालने के लिए हम लिखेंगे मीन, या फिर आप इसे एक्स बार से इंडिकेट कर सकते हैं। और मीन का मतलब होता है एवरेज निकालना, और मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब देखिए, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब इन सब का सम, यानी यहां पर हम लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितनी है, ये 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो नीचे हम लिख देंगे 5। इन्हें कैलकुलेट कर लीजिए, इसका जो टोटल आया वो आया 280 डिवाइड बाय 5। अगर आप इसे काट देंगे तो ये आ जाएगा 56। आई होप कि इंडिविजुअल सीरीज के लिए आप मीन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करते हैं और देखते हैं कि हम मीडियन किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें निकालना है मीडियन। मीडियन का मतलब है मिडल ऑब्जर्वेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये डाटा सीरीज दी गई है और बोला जाए कि इसमें से मीडियन निकालें, तो देखते हैं आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मीडियन निकालने के लिए हमें दो स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप नंबर वन में क्या करेंगे, हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, और दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में हम मिडल ऑब्जर्वेशन बताएंगे किसके अकॉर्डिंग, जो दो फॉर्मूलाज मैंने बताए थे उसके अकॉर्डिंग। अगर तो ऑब्जर्वेशन ओड नंबर्स हैं तब तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे सिंपल n+1/2, जो भी ऑब्जर्वेशन आएगी दैट ऑब्जर्वेशन वुड बी द आंसर। n क्या है, n है नंबर ऑफ टर्म्स, कि आपकी ऑब्जर्वेशन के अंदर कितनी टर्म्स यहां पर हैं। अगर ये टर्म्स इवन है तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे। देखिए, इवन के केस में हमें क्या करना है, n बाय 2 टर्म निकालनी है और n बाय 2 प्लस 1 टर्म निकालनी है। इन दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हमारा मीडियन होगा। अब इस केस में देख लेते हैं, यहां पर देखिए हमारे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, यहां पर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी ये हमारे पास इवन ऑब्जर्वेशन है। इवन ऑब्जर्वेशन का मतलब है हमारा ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, n बाय टू का मतलब है, अब देखिए ऑब्जर्वेशन कितनी है, 8 ऑब्जर्वेशन है, यानी 8/2, यानी 8/2 करके जो टर्म आएगी वो वाली टर्म हम यहां पर लिखेंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, 8/2+1, जो भी टर्म आएगी और उसे डिवाइड बाय 2 करेंगे। अब 8/2 कितना हो गया, हमारे पास आ गई 4th टर्म प्लस 4+1 डिवाइड बाय 2, यानी हमारे पास आ गई यहां पे 4+1 कितना हो जाएगा 5, यानी 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाय 2। अब देखिए, टर्म निकालने से पहले सबसे पहले स्टेप हमें क्या करना है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिख देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस डाटा सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में लिख देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे छोटी टर्म है वो सबसे पहले आएगी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, और सबसे बाद में सबसे बड़ी। तो इसमें सबसे छोटी टर्म कौन सी है, इसमें है 33, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 33। इससे बड़ी टर्म कौन सी है, इससे बड़ी टर्म है हमारे पास 40, तो इसके बाद आएगा 40। इसी तरीके से आगे लिख देंगे 60। अब अपने फॉर्मूले को देखते हैं, हमें चाहिए 4th टर्म। 4th टर्म मतलब है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। 4th टर्म कितनी आई हमारे पास, 63 प्लस 5th टर्म, 5th टर्म तो कौन सी होगी, हमारी होगी 67 डिवाइड बाय 2। अब बताइए 63 प्लस 67 कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया हमारे पास 130 डिवाइड बाय 2 किया तो ये आ गया हमारे पास 65। तो मीडियन कितना होगा हमारा, मीडियन वुड बी 65। एक बार ओड नंबर के लिए भी देख लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास यहां पर डाटा सीरीज में एक नंबर कम होता, इस तरीके से मेरे पास डाटा सीरीज होती,
तो फिर हम क्या करते, फिर भी हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में ही लिखते, बस यहां से 63 नहीं होता, बाकी सब एलिमेंट्स इसी तरीके से अरेंज होते। हमें मिडिल ऑब्जर्वेशन बताना है, तो मिडिल ऑब्जर्वेशन कैसे बता सकते हैं? मिडिल ऑब्जर्वेशन हम बता सकते हैं क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्म्स ओड हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब नंबर ऑफ टर्म्स क्या है हमारी, ओड है, तो हम पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कैसे निकालेंगे? यहां पर हम लिखेंगे एन प्लस वन टर्म, एन कितना है 7, 7 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, टर्म जो भी आएगी 7 प्लस 1 8, 8 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 4 टर्म, यानी 4 टर्म वुड बी द मीडियन। तो 1, 2, 3, 4, यानी 60 वुड बी द आंसर इन दिस केस। मोड मींस मोस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी ऑब्जर्वेशन आपकी डाटा सीरीज में सबसे ज्यादा बार आएगी उसे ही हम कहेंगे मोड। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये डाटा सीरीज है, इसमें देखिए कौन सी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा बार रिपीट है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 60, 60, 60 थ्री टाइम्स रिपीट है, तो इसका मतलब मोड कितना आ जाएगा, यहां पर मोड आ जाएगा हमारा 60। दैट्स इट। तो मोड कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, बट आपको बेटर रिजल्ट के लिए आपको क्या करना चाहिए, इसे भी असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेना चाहिए, तो उससे आपके रिपीटेड टर्म्स इकट्ठी आ जाएंगी और उससे आपको कैलकुलेट करना इजी हो जाएगा। आई होप कि मीन, मीडियन, मोड किस तरीके से कैलकुलेट किए जाते हैं ये आपको क्लियर हुआ होगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।